वेलकम बैक। आई एम सॉरी, हम थोड़ा सा लेट हो गए। उसकी वजह है हम थोड़ा सा बिजी हैं ऑफिस में, बट हमने सुन लिया, आपकी पुकार हम तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, जो है हम कोशिश करेंगे वीडियो जल्द से जल्द लाया करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखा करें ताकि हमें लगे कि ओके, समबडी इज़ एंगेजिंग। तो फिर हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे सर, नहीं तो थक जाते हैं सर, आगे सो जाएंगे सर, है ना? तो इसलिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो देखूं तो प्लीज़ बताएं। फिलहाल अभी एक वीडियो देखने वाले हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है, बट बेसिकली लिखा यह है कि पाकिस्तान इज़ क्राइंग ऑफ हिंद महासागर में भारत की बड़ी जीत। ठीक है, तो देखने वाले हैं कि क्या बड़ी जीत हुई अब अपनी। ठीक है, तो प्ले करते हैं वीडियो। जो खबरें आ रही हैं, भारत ने ओमान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद उनकी जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है जिसका नाम दकम है, जो बिल्कुल चा भाग के साथ है और पाकिस्तानी ग्वादर के सामने है, इंडियन आर्मी को वहां पर एक्सेस दे दी गई है और वो करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन आर्मी जो है इनके लिए एक बुरा सपना है। ठीक है, इनके लिए एक नाइटमेयर है। मतलब इनको सोते जागते ये सपने आते हैं, इंडियन आर्मी। मतलब एक देखो, नॉर्मली क्या है, हम भी चाइनीज़ आर्मी के बारे में बात करते हैं, बट हमारे दिल से वो आवाज़ नहीं निकलती। चाइनीज़ आर्मी ऐसी नहीं निकलती, राइट? खैर, आगे चलते हैं। वो करेगा। बड़ी अफसोस की बात है कि इस किस्म का लहजा इस्तेमाल कर रहा है हमारे बारे में। जिस तरह भारत अपना तसल्लत बढ़ा, बे इनको लोग कंट्री कह देते हैं, इनको लोग जो है प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मैं तो कहता हूँ ये भी बहुत ज़्यादा है जैसी इनकी हरकतें हैं। और ये जो भाई साहब हैं जो बैठे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये डिप्लोमेट रह चुके हैं पाकिस्तान के। किस किस्म के लोग हैं ये? आगे चलते हैं। पढ़ाता जा रहा है वहां पर, वो इस किस्म की कार्रवाई हो रही है और हमारे हुक्मरान यहां पर बिल्कुल इस अंदाज में अपने इदारों पर तंकीद कर रहे हैं, इस तरफ कोई देख नहीं रहा। ये एक्सीडेंट नहीं है कि दुबई में और इस मुल्क दुबई में इंडियंस बैठे हुए हैं इन क्लेरिकल जॉब्स और हमारे लोग जो हैं मैनुअल लेबर पे हैं। ओ माय गॉड, मेरा तो दिल ही टूट गया सुन के। भाई इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि तुम्हारे यहां ये कहा जाता है कि लिखित में हमको दो और माफी मांगो कि एवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती, वो बकवास है। उसके बाद जो है इनसे कहा जाता है कि नहीं बेटा, तुम गलत कह रहे हो, अर्थ इज स्टैटिक। मतलब समझ रहे हैं आप? ठीक है, वो चुपता है, वो जो है वो घूमता नहीं है। ठीक है, जब इस तरीके के जाहिल पैदा करोगे तो फिर वो लेबर जॉब ही कर सकते हैं ना, फिर वो ईंटें ही उठा सकते हैं, बेचारे क्या करेंगे, है ना? खैर, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए वो है दुकम पोर्ट, वो उनके लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान के दुश्मनों का घेरा तंग हो रहा है। भारत को दुकम बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंप दी गई है। इन हालात में अगर ये सिचुएशन इसी तरह ये आगे चलती रही, किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो फिर ये तो एक खतरे वाली सूरत हाल हो जाएगी कि पाकिस्तानियों को बताया जा रहा था कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, हम जीत रहे हैं, और फिर अचानक ये पता चला कि ढाका हमसे छिन गया। क्या था कि क्यों? तो अपनी आर्मी से कहो, हमसे क्या कह रहा हो, अपनी आर्मी से कहो जिन्होंने कहा था तुमसे ये कर रहे हो तुम ऐसी चीज जब कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत को ओमान में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह तक सीधी पहुंच मिली है। इससे फारस की खाड़ी में होने वाले व्यापार में भारत को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। भारत को डुक्कम बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीनों से भी कम समय के अंदर सौंप दी गई है। डुक्कम बंदरगाह रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इससे पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कदम लाल सागर और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहे संकट के बीच भारतीय नौसेना की भूमिका को भी बढ़ा सकता है। डुक्कम बंदरगाह मुंबई से पश्चिम की ओर एक सीध में स्थित है। ऐसे में भारत ओमान में डुक्कम बंदरगाह के जरिए अपने माल को आसानी से जमीनी रास्ते से सऊदी अरब और उससे भी आगे पहुंचा सकता है। इससे अदन की खाड़ी और लाल सागर से सटे इलाके में हुती विद्रोहियों के हमलों से भी निपटा जा सकेगा। अब पाकिस्तान मीडिया ओमान द्वारा भारत को डुक्कम बंदरगाह सौंपे जाने से सकते हैं। जो खबरें आ रही है, भारत ने ओमान के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसके बाद उनकी जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है जिसका नाम दकम है, जो बिल्कुल चा भारत के साथ है और पाकिस्तानी ग्वादर के सामने है, इंडियन आर्मी को वहां पर एक्सेस दे दी गई है। यानी जो बहरे हिंद है और जो दूसरे मुल्क उसके जो इलाके हैं, वहां पर चाइनीज जो नकल हरकत है उसको रोकने के लिए जो अमेरिकन एजेंडा है, जिस तरह भारत अपना तसल्लत बढ़ाता जा रहा है, वहां पर वो इस किस्म की कार्रवाई हो रही है और हमारे हुक्मरान यहां पर बिल्कुल इस अंदाज में अपने इदारों पर तंकीद कर रहे हैं, इस तरफ कोई देख नहीं रहा। पाकिस्तान के दुश्मनों का घेरा तंग हो रहा है। इन हालात में अगर ये सिचुएशन इसी तरह आगे चलती रही, किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो फिर ये तो खतरे वाली सूरत हाल हो जाएगी कि पाकिस्तानियों को बताया जा रहा था कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, हम जीत रहे हैं, और फिर अचानक ये पता चला कि ढाका हमसे छिन गया, मशरकी पाकिस्तान हमसे छिन गया। आप ये फरमाए कि हम क्या करें? देखिए, फिर अगर कोई कुछ कर, तुम्हारी आर्मी ने झूठ बोला था, तुमसे बोला था, तो नाम लेके कहो कि कौन थे वो महान लोग। नहीं सकता तो ये सूरत हाल फिर हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती, अदालतें कुछ नहीं कर सकती, आवाम सब कुछ देख रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया और ओमान के दरमियान ये वादा हो गया, बिल्कुल उन्होंने उस पोर्ट पर आके वो फौज इंडियन फौज उसको इस्तेमाल करेगी, इतना बड़ा डेंजर हमारे सामने आ गया। लेकिन अभी हम ये सवाल कर रहे हैं कि हम क्या करें, तो कौन करेगा? क्या आवाम आएंगे? ये तो जिन लोगों के पास इख्तियार है उन्होंने करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए वो है दुकम पोर्ट,
वो उनके लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको देखेंगे दुकम पोर्ट कितनी अहम है फॉर इंडिया, और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की है। वो कहते हैं कि हमारी शिपिंग लाइन्स और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और ये जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनी है दुकम की, ठीक है जी, जिसको सारी बात है ओमान के अंदर, वो उसके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए हैं, और उसकी बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जिसे वो कहते हैं। और ओमान क्या कहता है, ओमान कहता है जी कि हम इसे सेफ, स्टेबल और फ्रेंडली हेवन बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया के। ये अगर तो भाई तुम्हारी तरह थोड़ी महान लोग होते हैं हर लोग, है ना? हर आदमी चाहता है कि हमारे देश में जो है एक यू नो पीस का एनवायरनमेंट हो, एक स्टेबिलिटी हो, ताकि लोग आए घूमने आए, बिजनेस करने आए, यू नो और भी चीज़ें सेलिब्रेट करने आए, है ना? तो वो होता है, बट ये क्या होता है, उसके लिए नॉर्मल सोच चाहिए होती है जो है नहीं अनफॉर्चुनेटली आपके देश में, जो कि मिल रही है, ठीक है जी। और इंडिया आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहा है ओमान के साथ। बहरहाल एनी हो, इंडिया ने माजी में भी अपनी सबमरीन जो है स्पॉट पे भी लगाई थी और भेजी हैं और भेजते रहते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब, वो काफ़ी जाते हैं वहाँ पे, ओमान में भी गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बेमतलब में अपने आपको इंपॉर्टेंस देते रहते हैं कि साहब हमारे लिए, देखिए साहब वो इंडिया यूँ कर रहा है। अरे भाई तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, वी आर प्लेइंग अ मच बिगर गेम, समझ रहे हैं आप? इंडियन ओशन की बात हो रही है, ठीक है? इसमें क्या है, वर्ल्ड ट्रेड का मामला है इसमें, जो है फ्यूचर इकोनॉमीज, फ्यूचर सुपर पावर, ये सारी चीज़ों के लिए है, ठीक है? तो मतलब बेमतलब में अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है इन लोगों ने कि साहब जो हो रहा है बस हमारे लिए हो रहा है। जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो एक तो ये सारे डुकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इसके साथ साथ है। देखिए आपने पहले घुसना होता है बिजनेस के जरिए, इकोनॉमी के जरिए, देन आप उनको चीज़ें देते हैं, देन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको और चीज़ों में लेके जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल टेररिज्म पे बात हुई, ठीक है जी। अब टेररिज्म पे इंडिया आपको पता है क्यों बात, हम नहीं लेके जाते, ठीक है? क्या होता है कि जब इंसान एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा सा बातचीत होती है, थोड़ा एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता है, फिर हम छोटी सी शुरुआत करते हैं, फिर जब हम वो चीज़ डिलीवर करते हैं जैसे हमने कही थी, तो फिर भरोसा बढ़ता है, फिर हम दूसरी चीज़ पे जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम दोनों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को छोड़ के दुनिया में सबको टेररिज्म से प्रॉब्लम है, सबको। आपके यहाँ क्या है, वो एक एक्टिविटी है, हमारे लिए वो न्यूसेंस है, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है लोगों में, नॉर्मल लोगों में, नॉर्मल देशों में ऐसा ही होता है। तो बात करते हैं व्हेन दे हैव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान, सो उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन जो भी जैसे भी है, ये हम उसको खत्म करना चाहते हैं, विच इज गुड। हाँ तो बिल्कुल सही है, लेकिन जारी बात है कि इंडिया व्हेन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट टेररिज्म, इट डजंट टॉक अबाउट अलकायदा और इस्लामिक स्टेट। Although India has declared those terrorist organizations terrorists, but India's definition of terrorism is when it comes to जो कश्मीर से लिंक करते हैं। For example, recently इंडिया ने जो हमास के अटैक्स थे उसको जो दहशतगर्दी का, तो बहुत सारे थिंकर्स ने, राइटर्स ने, स्कॉलर्स ने कहा कि इंडिया की इवन की फॉरन पॉलिसी के अंदर भी, मैंने स्टोरी पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो हमास के अटैक को टेररिज्म इसलिए देखता है बिकॉज वो उसे कश्मीर से कनेक्ट करता है। बट एनी दैट इज द पॉइंट, इंडिया ने वो देखो मेरी बात सुनो, हम हर चीज़ को टेररिज्म कनेक्ट जो है कंसिडर करते हैं जो कि नॉर्मल लोगों को मारते हैं। हम रिलीजन नहीं देखते, हम जो है अपने जियोपॉलिटिकल एम्स नहीं देखते, हम सीधा ये कहते हैं कि भाई देखो तुम में हिम्मत है, तुम में ताकत है, अपनी फौज के दम पर कर सकते हो कुछ तो कर लो, नहीं कर सकते तो चुप बैठो, बोल लो चुपचाप जाके यूनाइटेड नेशन में, बोल लो यहाँ, बोल लो वहाँ, बोल लो तुमसे जो बने, बोल लो, लिख लो तुम पेपर में, ठीक है? पर टेररिज्म जो है वो कोई भी चीज़, कोई भी इंसान जो नॉर्मल पब्लिक को, सिविलियंस को हार्म करे फॉर देयर एजेंडा, वो टेररिज्म है। सिंपल इज दैट, इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। काम किस किस्म के लोग हैं ये, आगे चलते हैं। सारी बातें उन्होंने करनी है, लेकिन द क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता है इंडिया अभी जैसे मैंने बताया कि अपनी एक्सेस बढ़ा रहा है, और आपको पता है कि इतना इंपॉर्टेंट था कि ये जो प्रेसर है, जो प्रेस रिलीज हुई थी, इसको हम बढ़ा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बात ये है ना, हम ऐसा नहीं है कि हम हमारा जो साइज़ है, जो कैलिबर है हमारा, हम उससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, नहीं है। जो हमारा कैलिबर है ना उससे हम ऑलरेडी बहुत कम हैं, हम अपने कैलिबर पे आने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली है। आगे चलते हैं। सेक्रेटरी ने किया, ठीक है जी। और पता तो इसे यही चलता है कि इंडिया जैसे बड़े हाई लेवल पे हुए हैं, वायदे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और ओमान की एक डोफर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे चेयर हिंदी चेयर के हवाले से, सारी हिंदी लैंग्वेज के हवाले से इंडिया ने अपनी वो किया, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेलकम किया, बड़ा उन्होंने वो सारी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन दुकम को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, और वो समझते हैं कि दुकम जो है वो हमारे लिए एक अहमियत रखता है, और सिर्फ अपनी एक्सेस के हवाले से इंडिया बात कर रहा है कि उनकी जो एक्सेस है दुकम में वो उनको बहुत कुछ दे सकती है। भाई देखो ऐसा है कि नॉर्मल जो देश होते हैं ना वो ऐसी ही बातें करते हैं कि हमारी जो है ट्रेड के बारे में, हमारी सिक्योरिटी के बारे में, हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारे कल्चरल एक्सचेंज के बारे में, ऐसी ही बातें होती हैं। ये आपकी एक अनोखी कंट्री है,
खैर आप लोग जो है वो जज्बे वाली कौम है, तो जज्बे वाली कौम जब जाती है ना तो वो कहती है सब आप हमें 1 मिलियन 2 मिलियन दे दें और उसके बाद जो है हम भाई भाई हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सर हमारे पास एक आर्मी भी है सो कॉल्ड, तो वो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है, और 2-4 हमारे और पाले हुए हैं वो भी हम आपको दे देंगे। ये तुम्हारी बातचीत होती है, दैट इज़ नॉट हाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज और प्रीटी मच एवरी अदर कंट्री बिहेव्स, है ना। तो वो जाके यही बातें करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड, इकोनॉमी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटी, क्लाइमेट चेंज, यही सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। खैर आगे चल, तो बात यह है कि वीडियो तो हुआ समाप्त, अगर आपको कुछ बात लगी हो इंटरेस्टिंग तो ज़रूर बताइएगा एंड बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक्सेस और बढ़ रहा है। मैं जब लोग कहते हैं ना कि इंडिया अपना जो है यू नो पावर बढ़ा रहा है या वो अपनी जो है डेप्थ बढ़ा रहा है या वो अपनी रीच बढ़ा रहा है, तो लोग एक लोगों का नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हाँ इंडिया जो है वो अपनी रीच बढ़ा रहा है, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया का जो कैलिबर है, जो लेवल है, हम उस लेवल को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी देखो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, दुनिया में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और एज, और हमारे पास जो है एजुकेटेड भी बहुत हैं, हमारे पास जो है पोटेंशियल बहुत है, हिस्ट्री बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, राइट। तो उस हिसाब से वो जो हमारा जो लेवल है उस हिसाब से हम अभी उस तरीके के काम नहीं कर रहे हैं, अभी हमें और वक्त लगेगा उस लेवल पे पहुँचते पहुँचते, है ना। तो वो हम करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और हमें करते रहना चाहिए और थोड़ा तेज़ करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आप चाहते हैं मैं देखूं, तो मुझे बताएं, सपने में नहीं आएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये देखो भाई इसको देखो, तो मैं ज़रूर देखूंगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें।